नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको जीवन की सभी खुशियां दे, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दे, यही दुआ और आशीर्वाद मैं आपके लिए हमेशा करती हूँ प्यारे मित्रों। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अलावा बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा मित्रों। मित्रों, आज जो जानकारी देने जा रही हूँ ना, बहुत ख़ास है। जैसा कि आपको पता ही है कि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव रहता है। जितनी भी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है हस्बैंड को लेकर, वहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति का रोल ज़रूर है। तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, उसको करने से आपके घर में पति, संतान, पैसा, नौकरी, स्थायी संपत्ति और धन का विस्तार होगा। इसको आप नियम कायदे से हर गुरुवार को फॉलो करेंगे ना, बहुत फ़ायदा होगा। मैं पीले कपड़े के कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ये उपाय आप किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं। वैसे तो मेरा निवेदन है कल गुरुवार है, कल ही कर लीजिए। और अभी माँ लक्ष्मी के जो 16 दिवसीय व्रत चल रहे हैं उसी दौरान ये गुरुवार भी पड़ रहा है। और इस दिन जो आपको पता ही है कि जो पीला रंग है भगवान श्री हरि विष्णु को भी विशेष प्रिय है, और माता लक्ष्मी को तो होगा ही प्रिय, क्योंकि उनके पति परमेश्वर का प्रिय कलर है ये। और जिस घर में श्री हरि विष्णु का नाम जपा जाता है उन पर माँ लक्ष्मी को तो कृपा बरसानी ही पड़ती है। इसके अलावा मित्रों, बृहस्पति ग्रह भी अच्छा होता है। ग्रह अपना काम करते हैं, परमात्मा अपना काम करते हैं, लेकिन हम मनुष्यों को तो सभी का आशीर्वाद चाहिए होता है। और इसीलिए मैं आपको गुरुवार का एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो पीले कपड़े से संबंधित है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। मित्रों, यदि आपने अभी तक कुंडली का परामर्श नहीं लिया है तो बिना देरी किए कुंडली का परामर्श लीजिए। आप अपने घर का नक्शा भी चेक करवा सकते हैं मित्रों। कई बार कुंडली सही होती है फिर भी प्रॉब्लम आती है, तो मकान में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको दूर करें। अपना नक्शा दिखाइए मकान का, हम बिना तोड़ फोड़ के आपको ऐसे उपाय बताते हैं। हम बिल्कुल भी महंगे सामान नहीं बेचते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो बिना देरी किए आप संपर्क कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो खासम खास बात, ये इतनी चमत्कारी और कुछ भी खर्चा नहीं होगा आपका। आपको क्या करना है, या तो आप गुरुवार के दिन कोई सफ़ेद कपड़ा लेकर उसको पीले रंग में रंग लीजिए। उसका जो पानी है वो टप 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 करके पीला पानी निकलना चाहिए, और वो पानी जब टपकेगा और सूर्य की रोशनी उस पानी पर पड़ेगी तो आपके घर में बृहस्पति की कृपा इतनी ज़बरदस्त बरसेगी जो कभी पुखराज पहनने से भी नहीं बरस सकती। इतना फ़ायदा करते हैं छोटे छोटे उपाय। तो कोई भी सफ़ेद कपड़ा पीले रंग में रंगें, उसको आप अपने घर की छत पर सुखाएं, उसका पानी टप टप टपकना चाहिए और उस दौरान सूर्यदेव अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर हो, मतलब दिन का लगभग 12 बजे के आसपास का समय हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। कितना सीधा सा उपाय है देखिए। और दूसरा उपाय ये है कि आपको जिस जगह हवा चलती हो और कपड़ा लहराता हो ऐसी जगह पर आप एक पीला कपड़ा टांग दीजिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास, तो मित्रों कई तरह के पीले दुपट्टे हैं जो विशेष रूप से मैं गुरुवार के दिन धारण करती हूँ। और जब भी मौका मिलता है, पीला रंग मुझे बेहद पसंद है, तो मैं इसको पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ। आप भी अपना दुपट्टा ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं घर का, और उसको ऐसी जगह लटकाएं। उसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है, ये अतिरिक्त प्रयोग बता रही हूँ, अभी जो पहला प्रयोग बताया उसके अलावा है ये प्रयोग। तो ऐसी जगह लटका दें जहाँ वो लहराता हुआ कपड़ा दिन भर लहराता रहे। जब भी कोई गतिशील चीज़ होती है वो ग्रहों को बहुत आसानी से अट्रैक्ट करती है, और गतिशील चीज़ सुख समृद्धि को भी अट्रैक्ट करती है। तो गतिशीलता जीवन का नियम है, और ये गतिशीलता जिस दिन समाप्त हो जाती है उस दिन जीवन की प्रगति भी रुक जाती है। तो आप अपने घर की छत पर, दरवाजे पर, आंगन में कहीं भी पीले रंग का एक दुपट्टा, साड़ी, कपड़ा लटका दीजिए। हवा का फ्लो हो जहाँ हो वहीं पर आप इसको लटका दीजिए। चमत्कारिक परिवर्तन आने लगेंगे ज़िंदगी में। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त प्रयोग बता रही हूँ। स्नान करने के बाद आपको अपने शरीर पर सबसे पहले एक पीला कपड़ा लपेट लेना है, चाहे वो दुपट्टा है, साड़ी है, अपने शरीर पर लपेट लीजिए। और आप उस कपड़े को लपेटे लपेटे ही आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए। स्नान के बाद आप कमरे में आ सकते हैं, कमरे को बंद कर लीजिए, किसी अन्य के सामने नहीं करना आप कोई काम, लेकिन ये व्यवस्था आप पहले से ही करके रखें। स्नान करने के तुरंत बाद आपको टॉवल से नहीं पहुंचना है, सबसे पहले आपको पीला कपड़ा अपने शरीर पर लपेट लेना है और बृहस्पति के मंत्रों की एक माला जपें। आप गुरु गायत्री भी जप सकते हैं, मैं आपको बोल कर बता देती हूँ। आप बोल सकते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः,
ये बोल सकते हैं। आप इसके अलावा ओम ब्रीम बृहस्पते नमः ये बोल सकते हैं, या फिर ओम अंगिरो जाताये विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात आप ये भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो मंत्र मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करते हैं। दुर्भाग्य से जिन बहनों को शादीशुदा ज़िंदगी में सुख नहीं मिल रहा है वो ये प्रयोग ज़रूर करें। जिन्हें शिक्षा में विफलता मिल रही है वो भी ये प्रयोग करें। इस प्रयोग को करने मात्र से, इस मंत्र को जपने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगाज़ होने लगेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे कि मैं भी अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे कि वृषभ लग्न है और तुला लग्न है उनके लिए गुरु अनुकूल नहीं होता है, मतलब कारक नहीं होता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में बहुत विषमताएँ हैं बहनों, तो आप गुरुवार के दिन तो ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको नग धारण नहीं करना है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का है, अस्त है, तो वो दान करने से खुश होता है। बृहस्पति का दान जब किया जाता है तो उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी 10 चीज़ें ले लीजिए, उन 10 चीज़ों का मूल्य बराबर होना चाहिए। और उसमें लिक्विड चीज़ें लीजिए, पीली चीज़ें लीजिए, 10 चीज़ें ले लीजिए, उसको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर और शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, सभी तरह के अवरोध दूर होते हैं। पीले रंग के कपड़े में अगर आप साबुत हल्दी की गांठ को बांध लेते हो तो भी आपके शादी संबंधी समस्या मिटने लगती हैं। रेगुलर ऐसा करने से बिना कोई महंगा रत्न धारण किए, बिना कोई व्रत उपवास किए आपकी नैया पार हो सकती है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। और वृषभ लग्न और तुला लग्न वाले क्या कर सकते हैं, वो बृहस्पति की चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान करने से कभी किसी को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको दान किसी से लेना नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं लेना चाहिए यदि ग्रह खराब हो तो। आप किसी को दे सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसके अलावा पीले कपड़े में आप थोड़ी सी चने की दाल को बांध कर अगर आप अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं तो भी आपके घर में धन का आगमन होने लगता है। गुरुवार के दिन पीली चीज़ें जरूर खाएं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। जहाँ तक हो बृहस्पतिवार के दिन नमक स्त्रियों को नहीं खाना चाहिए। सुंदरता अगर बढ़ानी है तो बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ें खाएं। इसके अलावा पीली कोई मीठी चीज़ जरूर खाएं, नमक ना खाएं, और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें तो शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। चेहरे पर एक अद्भुत चमक आती है और आपके चेहरा तेजोमय होता है। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अस्त हैं वो पीले कपड़े में थोड़ा सा स्वर्ण बांधकर किसी योग्य ब्राह्मणी को दान में दे दें, तो सुहागन ब्राह्मणी को दान में दे दें तो उनको बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक परिवर्तन होगा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अस्त होता है अपने जीवन काल में उनको एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना चाहिए। बृहस्पति की कारक चीज़ें जैसे कि चने की दाल, साबुत हल्दी, इन सब का दान तो करते ही हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा स्वर्ण दान कर दिया तो वो आपको पूर्णता देता है। और उसको आपको पीले कपड़े में ही बांधकर किसी योग्य ब्राह्मणी को या ब्राह्मण देवता को दान में दे देना चाहिए गुरुवार के दिन। तो आज मैंने आपको बताया पीले कपड़े के कुछ खास उपाय और टोटके जो आपके बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति के कुछ नियम कायदे भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो ये है कि इस दिन सिर ना धोएं, ब्रश ना करें। आप किसी भी चीज़ से मंजन कर सकते हैं लेकिन ब्रश नहीं करना चाहिए, इस दिन पेस्ट वगैरह का विधान नहीं है। और इसके अलावा इस शास्त्रों में तो मंजन करने के लिए भी मना किया गया, तेल नहीं लगाना चाहिए इस दिन सिर में, और साबुन नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। इन सारी बातों का जो मनुष्य ध्यान रखता है उसके घर में धन संपदा जरूर आती है। जिस मनुष्य को धन संपदा नहीं चाहिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, वो मनुष्य पोछा भी लगाए, कपड़े भी धोए, सारे सारे काम करे। जिस घर में गुरुवार के दिन पानी संबंधी काम बहुत ज़्यादा किए जाते हैं उस घर में गुरुवार को ज़बरदस्त कलह होता है। ये प्रैक्टिकली देखी हुई बात है। तो यदि आपके घर में भी बार बार कलह होता है तो गुरुवार को आप ये सब जो मैंने वर्जित काम बताए इनको बंद कर, मतलब मत करिए इनको, मतलब कपड़े मत धोइए और साबुन वगैरह मत लगाइए, शैम्पू मत करिए, तेल वगैरह मत लगाइए, पुरुष भी शेव वगैरह ना करें इस दिन। तो यदि आप इन सब चीज़ों को मानते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। वैसे मैं अपने विचार आप पर थोपती नहीं हूँ मित्रों, लेकिन मेरी जो दिल की भावना है वो यही रहती है कि आपका हमेशा भला हो और मैं अपने ज्ञान का थोड़ा भी फ़ायदा आपको दे सकूँ तो मेरा जीवन सार्थक होगा। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों। परमात्मा आपको सदैव खुश रखे, भगवान बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहे। आप चाहें तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के आसन पर बैठें और श्री हरि विष्णु की तस्वीर या चित्र के सामने
दीपक जलाकर घी का, और उसमें सामने बैठकर आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके रोजगार में उन्नति होती है, आपको उच्च प्रतिष्ठा और अच्छी जगह नौकरी मिलती है, मन वांछित सफलता आपको मिलती है। जिनकी कुंडली में तरह तरह के दोष हैं जो कि किसी उपाय से सही नहीं हो रहे हैं, वो गुरुवार को ये सब बातें करें तो आप देखना कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में होने लगेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।